बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, मैं हूं रत्ना और एक बार फिर से हम बता दें कि लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण का आज मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर का मतदान आज 88 सीटों पर बीजेपी या कांग्रेस किसका इम्तिहान इस सवाल से शुरू हुआ था, जो 6 बजे होते ही समाप्त हो चुका है। आपको बता दें 6 बज चुके हैं और 6 बजे हुए, अभी आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। सभी लोग उस मतदान प्रतिशत का इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए सुबह से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि आखिर किसके खेमे में कितने प्रतिशत मतदान हो पाएगा, कितने प्रतिशत मतदान जाएगा उनके खेमे में। क्या भारतीय जनता पार्टी जनता को लुभाने में पूरी तरीके से कामयाब हो पाई है, ये जो एक क्वेश्चन मार्क था उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी देर में जवाब भी मिल जाएगा। इसी के साथ गठबंधन देश की जनता को लुभाने में, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लुभाने में, रिझाने में कितनी ज्यादा कामयाब रही, ये भी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर में भी मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी मतदान पूरा हो चुका है। आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अब पूरा हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान होने थे, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया जो है अब वो खत्म हो गई है। मतदान प्रतिशत का इंतजार जारी है। वहीं यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान पूरा हो चुका है। अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर में मतदान पूरा हो चुका है। मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी मतदान संपन्न हो चुका है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी से, जहां दूसरे चरण की 8 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। आपको बता दें अब तक के 52.64% वोटिंग में अमरोहा सबसे आगे चल रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर बताई जा रही है। यूपी से ये बड़ी खबर है, जहां दूसरे चरण की 8 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है, यानी कि संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण मतदान बीत भी गया है और अमरोहा इस सब में सबसे आगे है। आपको बता दें अब तक की 52.64% अमरोहा में हुआ है वोटिंग और इसी के साथ ये सबसे आगे सबसे पहले पायदान पर चल रहा है। जी हाँ, बता दें कि आज दूसरे चरण में 26 अप्रैल को शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग की गई है, जिसमें आपको बता दें कि शाम के 6 बज चुके हैं और सभी जगह सभी लोकसभा सीटों से मतदान प्रतिशत के रिजल्ट्स बाहर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तक 52.64% वोटिंग में अमरोहा सबसे आगे रहा है। आपको बता दें 8 लोकसभा सीटों में अमरोहा भी शामिल, यूपी के अमरोहा लोकसभा सीट से 52.64%, जहां वोटिंग में अमरोहा सबसे आगे रहा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर बता दें कि अमरोहा से एक बड़ी खबर थी, तो अभी आपने अमरोहा से बड़ी खबर देखी, जहां पर सबसे आगे अमरोहा चल रहा है, 52.64% वहां मतदान हुए हैं, सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत काउंटिंग में वहां पर अभी तक अमरोहा आगे है। इसी के साथ आपको बता दें 88 सीटों पर बीजेपी या कांग्रेस के किस्मत का फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। मिशन 370 के लिए बीजेपी का फोकस जो साउथ की सीटों पर था, उसका भी फैसला अभी कुछ ही देर में हो जाएगा। वहीं केरल में बीजेपी यूडीएफ एलडीएफ फ्रंट के बीच खुद को तीसरी धारा बता रही थी, अब इसका फैसला भी थोड़ी देर में ही हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तरफा जीत हासिल करेगी, 400 पार का जो दावा किया जा रहा है कि एक तरफा 400 पार यानी कि 400 सीटें मिलेंगी, ये जो 400 पार का दावा है इस पर अभी भी विराम लगा हुआ है, क्योंकि 400 पार करना विपक्ष इतनी आसानी से 400 पार नहीं करने देने वाला है, ये इस चुनाव में भी साफ हो गया। आपको बता दें आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है 26 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को आज के दिन, और इससे पहले पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका। उस बीच कई सारी खबरें आई थी जहां ईवीएम मशीन खराब हुई थी, कई सारी ऐसी खबरें आई थी जहां पर मारपीट की गई थी, पत्थरबाजी की गई थी। लेकिन इस बीच दूसरे चरण के मतदान के बीच भी ये बड़ी खबर सामने आई, जहां ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई हैं। इसी के साथ कई जगह चुनाव बहिष्कार की भी खबर सामने आई, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये कांटे का टक्कर होने वाला है। गठबंधन इतनी आसानी से
भारतीय जनता पार्टी को जाने नहीं देने वाला है। और ये जो 370 सीटें और एनडीए की 400 सीटों पर टारगेट जो सेट किया गया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि विपक्ष अपने आप को मजबूती के साथ मैदान में खड़ा करके रखा हुआ है और इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देने वाला है। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है। और इसी के साथ अभी और सीटों पर चुनाव होना बाकी है। अभी कुल जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीट पर आज मतदान हुआ है और दूसरे चरण में केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं आपको बता दें बड़ी अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर के, जहाँ पर 5 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान, आपको बता दें कि 76.2% मतदान किए गए हैं। वहीं मणिपुर में आपको बता दें 76.1% वोट डाले गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि 72.1% मतदान किए गए। वहीं वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं और असम में, जहां पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बता दें आज 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जहां आपको बता दें कि केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव हुआ है। कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, वहीं छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3 और त्रिपुरा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट सहित 88 लोकसभा सीटों पर मतदान आज संपन्न हुआ। इसमें मणिपुर बाहरी सीट के तहत कुछ विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के लिए मतदान पहले चरण में हो चुका है, जबकि अन्य विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान हुआ है। अब इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार दावे कर रही थी कई सारे प्रत्याशियों को उतारने का, उसी में कई सारे प्रत्याशियों को तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाने के लिए मौका भी दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना 3 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और इसी के साथ सीपीएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जिनके किस्मत का फैसला होना है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने आपको बता दें 74 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे। जनता दल यूनाइटेड ने 5 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे। वहीं 2014 की अगर बात करें और 2014 के चुनाव की अगर बात करें तो 2014 के चुनाव में दूसरे दौर में 67.3% वोटिंग हुई थी। 2019 के चुनाव में 70.1% मतदान हुआ था। वहीं मिशन 370 के लिए बीजेपी का फोकस साउथ की सीटों पर पहले से ही बना हुआ है और साउथ को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बाकी के अन्य नेता, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश की गई है। ये कोशिश कहीं ना कहीं या तो रंग लाएगी या तो भारतीय जनता पार्टी को मजा चखाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और कांग्रेस इतनी आसानी से इस सीट को नहीं देने वाली है। इनमें से केरल और कर्नाटक भी खास है। आपको बता दें केरल में बीजेपी यूडीएफ एलडीएफ फ्रंट के बीच खुद को तीसरी धारा बता रही है, लगातार ये तीसरी धारा की बात चल रही है। देखना यह है कि क्या तीसरी बार वाकई में मतदान इतना ज्यादा हो पाएगा कि तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और केवल मतदान की ही बात नहीं है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की भी बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या देश की जनता ये मौका देगी? क्या उनके सबका साथ सबका विकास और सबका कल्याण इस बात पर भरोसा करेगी देश की जनता एक बार फिर से? क्योंकि राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बार भी कहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को मजा जरूर चखाएगी। और एक बयान ये भी दिया गया कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रैलियां कर रहे हैं, जो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, इसमें उनके स्टेज पर ही आंसू ना निकल आए। तो क्या वाकई में, देखना यही है कि देश की जनता क्या वाकई में अपने प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू निकलवा देगी इस वोट को हासिल करने के लिए? क्या राहुल गांधी सत्य जो बोल रहे हैं वो सत्य है? एमवाई फैक्टर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जाएगा या फिर इस बार जो गठबंधन होकर के रखा है, जिसकी एकता और अखंडता की बात की जा रही थी लोकसभा चुनाव से पहले ही, वो अखंडता कहीं ना कहीं भंग हो गई, लेकिन फिर भी अभी दुनिया के सामने और देश के सामने ये एकता बनी हुई है केवल बातों में। तो क्या वाकई में देश की जनता इस पर भरोसा करेगी? लगातार एकता की बात हो रही है। वहीं इस बीच कई सारी खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सामने आई, जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी किए गए। राहुल गांधी हो, सीएम केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर कोई भी विपक्ष का नेता, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो देखना यह है
कि क्या वाकई में ये जो घेरने का कार्य किया गया है कि राम मंदिर इस मुद्दे को, इस चीज को मात दे पाएगा, या केवल एक राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि देश की जनता कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई की मार से परेशान तो है लेकिन राम मंदिर बन जाने से खुश भी है। तो क्या वाकई में ये राम मंदिर काम कर पाएगा? वहीं अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में विकास के नाम पर कई जगह से मतदान बहिष्कार करने की खबरें तो सामने आई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या वो दावा काम आ पाएगा मथुरा में चुनाव जीतने में, वो वोट हासिल करने में, जो एक दावा किया गया कि वहां पर मथुरा में भी मंदिर बनाएंगे, काशी में भी मंदिर बनाएंगे और इसी के साथ राम मंदिर बना करके तैयार कर दिया गया है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला मथुरा में भी काम आ पाएगा? मथुरा की सीट को जीत पाएंगे? वहीं अगर बुलंदशहर की बात करते हैं तो बुलंदशहर का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी वहां 6 बार जीत चुकी है और जीत को हासिल कर चुकी है। क्षेत्रपाल 4 बार वहां से सांसद रह चुके हैं, वही 2 बार भोला सिंह भी सांसद रह चुके हैं, 3री बार भी भोला सिंह को ही प्रत्याशी बनाया गया है बुलंदशहर से। तो देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भोला सिंह भी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएंगे बुलंदशहर से, और क्या देश की जनता, प्रदेश की जनता, बुलंदशहर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मतदान में मदद करेगी, वोटिंग में मदद करेगी, उनके दावे पर, उनके वादे पर भरोसा करेगी? जी हाँ, जिस तरीके से विपक्ष बार बार सरकार पर और पीएम नरेंद्र मोदी पर धावा बोलता हुआ आया है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने मुद्दों से भटक कर कहीं ना कहीं सरकार को हमेशा पीछे दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं सरकार भी ये बार बार दावा करती है कि हमने विकास के कार्य किए हैं, हमने मंदिर बनवाया है और हमने जनता को मद्देनजर रखते हुए जनता के लिए कई विकास कार्य किए हैं और जिसके बलबूते पे वोट मांगे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसको जिताती है, क्योंकि बात जो है वो जनता पर ही आती है, जनता के लिए किस तरीके के विकास कार्य किए गए हैं इस पर आती है। और बार बार ये भी सवाल खड़ा होता है कि विपक्ष अगर इतना मजबूत है तो उसको ऐसी टीका टिप्पणी करने की आखिर सरकार पर बार बार जरूरत क्यों पड़ती है? खैर, आपको बता दें कि आज 26 अप्रैल शुक्रवार के दिन आज दूसरे चरण का भी मतदान खत्म हो चुका है और अभी हमें परिणाम, नतीजों का इंतजार है। आपको बता दें कि अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन एक अमूमन नतीजा और हमने 6 बजे तक की सारी आंकड़े के बारे में अभी हमने आपको बताया। वहीं आपको बता दें कि केरल के धुआंधार दौरे के कई किए गए हैं। बता दें कि बीते कुछ सालों में बीजेपी ने केरल में लेफ्ट के हिंदू वोटों में सेंध भी लगाया है। आपको बता दें केरल और कर्नाटक बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जा रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि पहले से ही इन दोनों जगहों पे, केरल और कर्नाटक में, दोनों राज्यों में ही पहले से ही कांग्रेस अपना, आपको बता दें, गद्दी है कांग्रेस की वहां पर है और अब ऐसे में केरल और कर्नाटक हॉट सीट मानी जा रही है। आपको बता दें कि जबकि अल्पसंख्यक मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहा है क्योंकि केरल में वोट शिफ्टिंग का ट्रेंड रहा है। आपको बता दें इसके अलावा सीपीएम की बात कर ले तो कांग्रेस को जब भी लगता है कि कहीं बीजेपी जीतने वाली है तो वहां वो दोनों वोटों को आपस में ही शिफ्ट कर लेते हैं। सोनाली जी, जी रत्ना, आपने सही बताया कि लगातार अल्पसंख्यक शब्द सामने आ रहा है, लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद ये सारी बातें भी निकल करके सामने आ रही है। प्रधानमंत्री का बयान हो या फिर बीजेपी के किसी भी नेता का बयान हो, लगातार एक शब्द सामने आ रहा है, वो है अल्पसंख्यक का, क्योंकि हमेशा से ही जब मनमोहन सिंह रहे हो उनके दौर से लेकर के आज के दौर तक, हमेशा से ही कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को सामने रखने का सारी चीजें, सारी जितने भी आरक्षण की बात की जाए या कोई भी चीजों की बात की जाए, वो हमेशा से ही कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए आगे रखा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर, 61.89% मतदान हुआ है अमरोहा में, इसी के साथ संपन्न हो चुका है मतदान। मेरठ में 55.49% मतदान संपन्न हुआ है, बागपत में 51.74% मतदान पूरा हो चुका है, इसी के साथ गाजियाबाद में 48.21% मतदान संपन्न हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में 51.66% मतदान संपन्न हुआ है, बुलंदशहर में 54.34% संपन्न हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ में 54.36% से मतदान संपन्न हुआ, मथुरा में आपको बता दें 46.96% से मतदान संपन्न हुआ है। जी हां, बता दें कि दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है जहां पर अमरोहा में
61.89% मतदान जो है वो संपन्न हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मेरठ में 55.49% से मतदान संपन्न हुआ। वहीं बागपत की बात कर ले तो 51.74% मतदान हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां दूसरे चरण का मतदान तो संपन्न हो चुका है। अमरोहा में 61.89% मतदान भी हुआ है। वहीं कई जगहों से ईवीएम खराब की खबरें भी सामने आई हैं। कई जगहों पर जनता की नाराजगी देखने को भी मिली है, क्योंकि कई पोलिंग बूथ पहले चरण के मतदान के दौरान भी ऐसे थे जहां पर पोलिंग बूथ खाली थे। इंतजार किया जा रहा था कि जनता वहां आएगी और मतदान करेगी, लेकिन इस बार दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी जनता की ये नाराजगी देखने को मिली। दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी कई पोलिंग बूथ खाली गए हैं, जहां पर लोग मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे। वहीं अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में चुनाव बहिष्कार किया जा रहा था। लखनऊ में भी कई जगह से ऐसी खबरें आई जहां बैनर पोस्टर लगा करके चुनाव बहिष्कार करने की बात कही जा रही थी। मथुरा में आला अधिकारी पहुंचते हैं और पहुंच करके लोगों को समझाने और बुझाने की भी कोशिश करते हैं कि अभी मतदान किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन जनता केवल एक ही अपील कर रही है, एक ही डिमांड कर रही है कि पहले समस्याओं का समाधान किया जाए, उसके बाद मतदान किया जाएगा। यानी कि इस बार की नाराजगी देखने को मिली है और मतदान प्रतिशत में भी लगातार ये नाराजगी देखने को मिल रही है। दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ 61.89% अमरोहा में मतदान हुआ है। वहीं मेरठ में 55.49% मतदान हुआ है। बागपत में 51.74% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 48.21% मतदान हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में 51.66% मतदान हुआ है। वहीं बुलंदशहर में 54.34% मतदान हुआ है। इसी के साथ अगर बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में 54.36% मतदान हुआ है। और वहीं मथुरा में 46.96% मतदान हुआ है। यानी कि पिछली बार के मतदान की मुकाबले की अगर बात करते हैं तो इस बार हर जगह से मतदान प्रतिशत कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मतदान फीसदी बढ़ सकता है। लेकिन लोगों की नाराजगी भी इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मतदान फीसदी बढ़ते हुए नहीं घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अभी आपने मतदान प्रतिशत देखा कि अभी तक के कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। 6 बजे तक मतदान संपन्न हुआ, सुबह 7 बजे दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ था, 6 बजे तक मतदान चला है। लेकिन इस बार के मतदान फीसदी और आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछली बार के मुकाबले ये कम बताए जा रहे हैं। कयास लगाया जा रहा था, ऐसी बातें कही जा रही थी कि पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है, इस बार लोग ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। लेकिन इस बार लोग जागरूक ज्यादा हो चुके हैं, देश की जनता, प्रदेश की जनता जागरूक ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि कई जगहों से चुनाव बहिष्कार की, मतदान बहिष्कार की खबरें भी सामने आई। ईवीएम खराब की खबरें तो सामने आई, लेकिन मतदान बहिष्कार की भी खबरें सामने आई हैं। और मतदान बहिष्कार करते हुए लोगों ने केवल एक ही नारा लगाया है, एक ही बैनर पोस्टर लगा के प्रदर्शन किया है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक विकास नहीं होगा, विकास के कार्य संपन्न नहीं होंगे, तब तक मतदान नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में, दूसरे चरण के चुनाव के दौरान भी मतदान करने में और इसी के साथ देश की जनता भरोसा दिखाने में भी चूक रही है। देश की जनता भरोसा दिखाना चाहती है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं दिखा रही है, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ये मतदान फीसदी में भी देखने को मिला है। वही तीसरे चरण का मतदान भी जल्द होने वाला है, तब भी देखने को मिलेगा कि आखिर कितने फीसदी मतदान होता है। 4 जून को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे, तब ये फाइनल हो जाएगा कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाने में देश की जनता मदद करेगी, या फिर गठबंधन को मौका मिलने वाला है, या नोटा की जो बात लगातार कही जा रही है उस पर कुछ सस्पेंस बरकरार होने वाला है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई अपडेट के साथ। बहस, हर सवाल का मिलेगा जवाब, जब सियासी मुद्दे आएंगे हम दोस्त
आपकी होस्ट उजाला। हम लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट जगत का हर एक अपडेट, चाहे वो हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड या बॉजीवुड। आपको देंगे हर छोटे से बड़ा अपडेट, हर राज, हर बात, हर कंट्रोवर्सी के पीछे का सच। हमारे शो टेली तड़का टाइम पास सिर्फ और सिर्फ केकेडी न्यूज पर। चल है लगातार रणभूमि में क्या होगा इस बार, किसान है परेशान, युवाओं पर भी आई है आंच। क्या राम मंदिर से बन पाएगी बात, या महंगाई रणभूमि में देगी मात। जनता की दहाड़ हम सुनेंगे इस बार, तथ्यों पर करेंगे बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ निधि यादव, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले राउंड में 8 सीटों पर मतदान हो चुका है। इसी राउंड में अखिलेश यादव की नई सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा थी,